लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी सिचुएशन पर जरा गौर करिए। मेरा एक बेटा है, जवान है, हैंडसम है, अकलमंद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लकी है। नेचुरली मैं उसका बाप जो हूं, वो मेरी तरह एक आम आदमी का बेटा नहीं है, बल्कि एक रईस और सक्सेसफुल बिजनेसमैन का बेटा है। मैं जब भी उसे कहता हूं कि अमन बेटा शादी कर लो, तो पलट कर ही जवाब देता है, डैड पहले पढ़ाई खत्म कर लूं। अरे भाई पढ़ते रहना, शादी में क्या प्रॉब्लम है, और भी पढ़ो या ना पढ़ो, संभालना तो तुम्हें मेरा बिजनेस ही है ना। और जना पढ़ाई क्या कर रहे हैं, अगर एक आम हिंदुस्तानी को बताओ तो सुन के हंसेगा, जी मेरा बेटा फैशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर रहा है। हाँ जी फैशन, फैशन की पढ़ाई कर रहा है? क्यों मजाक कर रहे हैं पूरी साहब, फैशन में भला कोई पढ़ने की चीज है? जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हकीकत है, मेरा बेटा दर्जी बनने की पढ़ाई कर रहा है। अब आप ही बताइए ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। पहली बात तो यह है कि दर्जी बनने में क्या बुराई है, दुनिया में अगर दर्जी ना हो तो माफ कीजिए कोई अपने घर से बाहर नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह कि मुझे ताज्जुब होता है कि मेरे पिताश्री जिनका रेडीमेड गार्मेंट्स का इतना बड़ा बिजनेस है, दर्जी और फैशन डिजाइनर में फर्क नहीं समझते। दर्जी कपड़ों की सिलाई करता है और फैशन डिजाइनर आपको कपड़ों से पर्सनैलिटी देता है। फैशन डिजाइनिंग भी एक कला है और हर कला के लिए पढ़ना जरूरी है, और मैं इस मामले में बहुत सीरियस हूँ। अब रही शादी की बात, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि हर हिंदुस्तानी माँ बाप को लड़का और लड़की के जवान होते ही ये शादी की चिंता क्यों सताने लगती है। हमारे मुल्क में पॉपुलेशन की कुछ कमी है क्या? नहीं है ना, जमाना बदल गया है, हर लड़का हर लड़की के अपने सपने होते हैं। वैसे मेरा भी एक सपना है, एक लड़की है मेरी ड्रीम्स में, मेरी ड्रीम गर्ल। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके होंठ, उसके चलने का अंदाज, उसके बोलने का तरीका, हालांकि मैंने उसे अब तक देखा भी नहीं है, मैं उसे अब तक मिला भी नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन वो मेरे सामने आएगी मैं उसे दूर से ही पहचान लूंगा। और जब तक वो नहीं मिलती, साफ बात है मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। अरे तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तुम तो काफी रोमांटिक आदमी हो यार। माय सन इज वेरी रोमांटिक। आखिर बेटा किसका हूं? मगर डैड आज अपना कॉन्वर्सेशन कुछ सीरियस हो गया, आपने मुझे नहीं हंसाया। अरे तो अभी हंसा देता हूँ। लेडीज ऑफ द जेंटलमैन अ रशियन सॉन्ग उजिले फ्रले दो फुलरगी अरविले जीरे बोरिले रउ दुरली अरबूजी का अरबूजी का अरबोजा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नाइस ऑडियंस, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, योर फादर इज वेरी जोवियल। इससे शादी की बात करें? नहीं डैड, मैं मेम से शादी नहीं करूंगा। अरे मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ गधे। हेलो स्वीटी पाई, बाय बाय, हाय ब्यूटीफुल, हेलो माय डियर। We'll be right back.
तेरा नाम क्या है? रेखा। ओ, मिस सेक्सी रेखा। क्या तूने कभी शीशा नहीं देखा? ओके ओके ओके, तुम एक काम करो, वो जो लड़का आ रहा है ना, हाय हाय, जस्ट गो टेल हिम सर आई लव यू, अभी पता चल जाएगा तुम कितनी सेक्सी हो। गो, कम ऑन, वरना डायलॉग सब किस भी करना पड़ेगा। गो, या गो गो। सर आई लव यू। ओ माय गॉड, इवन आई लव यू। देखो तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना, मेरा दिल तो नहीं तोड़ दोगी ना बाद में? मैं प्यार के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ, और वैसे भी हर खूबसूरत लड़की मेरी कमजोरी है, जिसकी वजह से मैं बहुत बदनाम हूँ। देखो सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? अगर हाँ तो मैं तुम्हारे घर पर आके डैडी से शादी की बात करता हूँ। बताओ बताओ। नहीं नहीं सर, हमारी तो रैगिंग हो रही है। देखा, दिल तोड़ दिया ना मेरा। ये अमन को क्या हो गया? कभी किसी लड़की से बात ही नहीं करता था। हाँ, कैसे हो गया? मजाक कर रहा हूँ। Hey अमन, what's wrong with you? मुझे हवाओं में मोहब्बत के पत्ते उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। Hey, no यार, last to last year की भी थीम यही थी, कुछ नया सोचना यार। तो तू ही बोलना, मैंने तो अब तक तीन थीम्स बता दी। अमन से पूछते हैं। Hi guys. Hi. Hi. क्लास शुरू नहीं हुई? अरे आज तो मिस खड़ूस ने बंग मार दी। अच्छा ये बता, तेरी इंटर्नशिप कैसी थी? ओके यार, इससे क्या पूछ रहा है, इसके बाप की तो फैक्ट्री है। ओके लिसन यार, फ्रेशर्स पार्टी के लिए एक थीम बता। ये थीम की याद मत दिला यार, दो दिन से सोचते सोचते दिमाग पक गया मेरा। तू दो दिन से फ्रेशर्स पार्टी की थीम सोच रहा है? अरे फ्रेशर्स पार्टी की नहीं यार, डिजाइन कलेक्शन की। डिजाइन कलेक्शन? तेरा मतलब है वो ड्रेसेस जो हमें एट द एंड ऑफ द टर्म प्रेजेंट करनी है, तू उनकी थीम के बारे में अभी से सोच रहा है? हाँ यार, इस साल कोई डिसेंट अवार्ड शॉट जीतना है। चल सी यू गाइस। ओके, कहाँ जा रहा है तू? डिजाइन कलेक्शन की थीम सोच ले। तुम लोगों ने एक लड़की व्हाइट ड्रेस में यहाँ से जाते हुए देखी क्या? नहीं नहीं लड़की, अचानक क्या हो गया? अचानक? तुमको तो पता है कि I really like you, तो अनजान क्यों बनते हो? Anna, I said cut the crap. Tell me one thing. Honestly. क्या? लोग कहते हैं कि तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Is it because?
यू आर द अदर टाइप। मतलब क्या तुम लड़कों को पसंद करते हो? है ना, लड़कों को पसंद? आर यू मैड? ऑब्वियसली आई एम नॉट इनटू मेन, लेकिन मुझे तुम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, दैट्स ऑल। हाउ मीन। ये क्या मजमा लगा रखा है? सारे स्टूडेंट्स क्यों जमा हैं यहाँ? सर, आपने सर्कुलर क्यों निकाला कि लड़के फ्रेशर्स पार्टी नहीं मना सकते? सर्कुलर निकालना हमारी परंपरा है। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन हमारे इस इंस्टीट्यूट के तीन स्तंभ हैं। मगर सर, बीच में मत बोलो अमन, ओरिजिनल की आत्मा का ख्याल रखो। ओरिजिनल की आत्मा? मोहब्बतें में बीच में कोई नहीं बोलता। ओ, वैसे भी मुझे फ्रेशर्स पार्टी मनाने की कोई तुक समझ में नहीं आती। फ्रेशर्स पार्टी में नए और पुराने स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनमें दोस्ती बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, स्टूडेंट्स में एकता बढ़ती है, और एकता की हमारे देश को सख्त जरूरत है। इनमें से एकता कौन है? मैं देश की एकता की बात कर रहा हूं सर। ओ, देश की एकता। हाँ सर, और जानते हैं सर, स्टूडेंट्स ने आज की पार्टी की थीम क्या सोची थी? क्या? एडम और ईव की। बड़ी वाहिया थीम है। आप ही की दी हुई थीम है सर। मेरी? यस सर, जब मैं यहाँ स्टूडेंट था तो आपने अपने एक लेक्चर में कहा था कि फैशन की शुरुआत एडम और ईव से हुई थी। मैं आपके उसी लेक्चर से इंस्पायर हुआ हूँ सर। अगर मेरे लेक्चर से इंस्पायर होकर सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, क्योंकि मैं कभी गलत सोच नहीं सकता। मिस्टर आर्यन, आप मेरे बताए हुए थीम पर फ्रेशर्स पार्टी मना सकते हैं। थैंक यू सर। सर, आपने तो कमाल कर दिया, मिस्टर नारा शंकर को राजी कर लिया। लेकिन एक बात बताइए, ये एडम एंड ईव की थीम सचमुच उन्हीं की थी? बिल्कुल नहीं अमन, मैंने उन्हें क्रेडिट देकर अपनी बात मनवा ली। सर, I am the best. शर्माती है।
तो क्या बाकी सब लड़कियां बेशरम है शर्मिली जी? हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। हम भी तो आप ही की बात कर रहे हैं। समझती क्या आपने आपको? इसे सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, हाँ पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कम से कम इसमें पार्टी में आने के गट्स तो थे। अगर नहीं आती तो हम क्या करते, सोचो। तुम्हारा क्या मतलब है, इसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? हाँ मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। इसको डांस करना पड़ेगा और गाना भी गाना पड़ेगा। हम सिर्फ डांस कर सकते हैं और वो भी क्लासिकल। झटके वाला चोली के पीछे क्या है? डेफिनेटली ओके, मैं एक फास्ट नंबर गाता हूं और इसे उस पर डांस करना पड़ेगा। ओके, डू यू एग्री?
मिलने मिलाने के दिन, ये हंसने गाने के दिन, ये है किसी को सनम दिल में बसाने के दिन। की ये घड़ी दो दिनों की जिंदगी में आएगी ना घड़ी घड़ी। एक तो है मेरे लिए, हाँ एक मैं हूँ तेरे लिए। एक तो है मेरे लिए, एक मैं हूँ तेरे लिए। शैतान लड़की, पहले गुड मॉर्निंग तो बोलो। गुड मॉर्निंग, आप इतने सुबह कैसे उठ गई? आपसे बातें करने को। जानती हो कल हमने आपसे सारे दिन बात ही नहीं की। अच्छा, दिन भर निफ में थे और रात को आते ही जबरदस्ती आपने सुला दिया। बच्चों को जल्दी सो जाना चाहिए। मम्मा अब हम बच्चे नहीं रहे, बहुत बड़ी हो गई हैं आप। और क्या। अच्छा बताओ कल फ्रेशर्स पार्टी में क्या हुआ? हम ईव नहीं बने ना, इसलिए हमें डांस करना पड़ा। बड़े शरीफ हैं आपके इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स। बिल्कुल नहीं मामा, वो तो जाने क्या उल्टा सीधा बकरे थे। फिर एक सीनियर स्टूडेंट ने हमें बचा लिया। कौन था वो? हमें उसका नाम नहीं मालूम। ये लो, एक तो बेचारे ने तुम्हारी मदद की और तुम्हें उसका नाम तक नहीं पता। मामा। अमन, अरे अमन जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है भाई। आ रहा हूँ डैड। अरे क्या आधे घंटे से बोल रहे हो? आ रहा हूँ आ रहा। अरे तू कब आया? मैं तो यही बैठा हूँ डैड, कब से जूस पी रहा हूँ। देखिए मेरे लिए बदरी ऑमलेट भी लेकर आ गया। अब देख मेरी क्या हालत हो गई। मुझे तेरी इतनी चिंता रहती है कि तू मुझे दिखाई नहीं देता। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं तेरा ख्याल रखूं या घर का ख्याल रखूं, बिजनेस का ख्याल रखूं या सोनी का ख्याल रखूं। You're right, Dad. इस घर को एक घरवाले की सख्त जरूरत है। Thank God, तेरी अकल में ये बात तो आई। तो मैं रिश्ता ढूंढना शुरू करता हूँ। कीजिए डैड, मगर मैं शादी कोर्स पूरा होने के बाद ही करूंगा। कोर्स पूरा होने के बाद? मैं तेरी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं तो अपनी शादी की बात कर रहा हूँ भाई। आप शादी करेंगे? सिर्फ तेरी खातिर मेरे बच्चे। तेरी बीवी तेरा क्या ख्याल रखेगी? उसे तो शॉपिंग और पार्टियों से ही फुर्सत नहीं होगी। ख्याल रखती है तो सिर्फ माँ। जिसके पास माँ है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास माँ नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। Dad is such a joker at times. Joker? Anyway, thanks for the lovely morning. Welcome, बच्चे. And I'm getting late. शाम को जल्दी आ रहे हो या आज भी लेट हो रहे हो? हाँ, और लेट हो रहे हो तो फोन कर देना। परेशानी होती है। अरे कल तो मिलो। जीते रहो। थैंक यू फादर। बाय। गुड मॉर्निंग सर। बाय। गुड मॉर्निंग, यू आर लेट बाय 5 मिनट्स। Hi, waiting for me? No. How mean. Rekha. Hi. Hi, by any chance तुमने उसे देखा? किसे? वो जो कल वो. देखा है. कहाँ? हाँ? Hi. You're so strange. कल डांस करते करते कहाँ गायब हो गई थी? मैंने बहुत ढूंढा. Oh, and by the way, तुमने तो कल कमाल कर दिया. बहुत तारीफ हो रही थी तुम्हारी. Everyone just flipped for your dance. मेरे गाने को तो किसी ने भाव तक नहीं दिया. How was it? तुम्हें अच्छा लगा? हेलो, क्या हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं? तुमने किसी गर्ल्स कॉन्वेंट में पढ़ाई की है क्या, जो लड़कों से बात करने में प्रॉब्लम है? हेलो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, कुछ तो बोलो, से समथिंग। हार्ड लक। क्यों, उससे लिफ्ट नहीं मिल रही है ना? तो कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, उसमें ऐसी कौन सी बात है जो तू इस तरह हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा है? जो तुझ में नहीं है। हाउ मीन। मिस्टर आयरन, आप सुबह सुबह मेरे घर के आसपास क्यों मंडरा रहे थे? मैं ये देखने गया था कि आप सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, लेकिन आप तो घर से बाहर निकले ही नहीं। वो तो मेरी आंखों में एलर्जी हो गई है, डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए सूर्य को घूरने के लिए मना किया है, लेकिन ये सब
आपकी वजह से हुआ मिस्टर आयरन। क्यों सर? मैंने मना किया था आपको फ्रेशर्स पार्टी मनाने के लिए, लेकिन नहीं माने आप। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मोहब्बत अपना बोरिया बिस्तरा लेकर इस इंस्टीट्यूट की चार दीवारी में दाखिल हो गई। यस सर, मुझे भी इंस्टीट्यूट की फजाओं में मोहब्बत के पत्ते उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। अपने चश्मे का नंबर चेक करवाओ मिस्टर आयरन, ये पत्ते तो हम हर पीरियड के बाद स्पेशल इफेक्ट से उड़वाते हैं। स्पेशल इफेक्ट से ही सही, पर हैं तो मोहब्बत के पत्ते ही ना। आपने अपनी बेटी की शादी एक अमीर नाराई से कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मोहब्बत हमेशा के लिए इंस्टीट्यूट को छोड़कर विदेश चली गई। सच्ची मोहब्बत कभी नहीं हारती सर। आपकी मोहब्बत झूठी थी मिस्टर आयरन। अगर मोहब्बत सच्ची होती मेरी बेटी एनआरआई से शादी करने के बजाय छज्जे से कूद कर जान दे देती। वो छज्जे से कूद कर जान दे भी सकती थी सर, तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि आपके घर में छज्जा नहीं था, पड़ोसियों की छत तो थी। वो अपनी जान इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि हमारी मोहब्बत फिल्मी नहीं थी। वो जिंदा रहकर समाने को दिखाना चाहती थी कि हमारी मोहब्बत सच्ची है। चलो हमें क्या, मुझे तो इस बात की खुशी है कि ये लड़की मोहब्बत पसंद नहीं करती। ने मुझे बुलाया डैड? हाँ मैंने बुलाया बेटा, आओ, कम ऑन सिट डाउन। ये देखो, आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं? नहीं ये मॉडल्स जितनी खूबसूरत जरूर हैं, लेकिन ये मॉडल्स नहीं हैं, ये उम्मीदवार हैं। इलेक्शंस होने वाले हैं? इलेक्शंस की नहीं, सिलेक्शन के उम्मीदवार। बताओ इनमें से तुम्हें कौन पसंद है? किस लिए? तुम्हारी माँ के लिए। डैड दूसरे मुझे नहीं समझते, लेकिन मैं दूसरों को समझ जाता हूँ। मसलन आओ बैठो, मैं दो दिन से देख रहा हूँ तेरी आंखों में एक खास किस्म की चमक है, बात क्या है? नथिंग। अरे मैं तेरा बाप ही नहीं, तेरा दोस्त भी हूँ, तू जानता है, बताना। एक लड़की है। लड़की है? मेरी उम्र का थोड़ा तो ख्याल रख, बाकी लोग क्या सोचेंगे भाई? डैड मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तू शादी कर रहा है तो मैं अपनी शादी पोस्टपोन कर देता हूँ। शादी की बात तो दूर, वो मुझसे बात तक नहीं करती। अब वो तुझसे बात क्यों नहीं करती, ये तो एक औरत ही बता सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि तुझे माँ की जरूरत है। डैड गुड नाइट। अरे अमन अमन, ये फोटो को भी देखो, ये बाजू वाले फार्म हाउस की नौकरानी की है। बदरी अपने लिए हुजूर। दिखा जरा। पागल हो गया क्या? He's damn lucky यार। ये कविता कपूर कौन है यार? Hey अमन। Hi। At last you got it man। क्या हुआ? You know design collection में तुझे कौन assist करने वाला है? कौन? जाके देख। Go and check the list man। Hi। अमन पुरी। ईशा। Oh my God। Yes। तूने इतना हाई जंप कैसे मारा? मैंने नहीं मारा, तो इश्क ने मारा।
एक्सक्यूज मी ईशा, ईशा हाय, यू नो तुम मुझे डिजाइन कलेक्शन में असिस्ट करने वाली हो? व्हाट, यू वोंट बिलीव इट, मैंने तुम्हें से इंस्पायर होकर डिजाइन सोचे हैं। व्हाट एन अमेजिंग कोइंसिडेंस, एंड एंड आई आल्सो वांट टू यूज अ मॉडल, ओके? श्योर, नाउ एक्सक्यूज मी। या या श्योर श्योर, लंच में कैंटीन में मिलते हैं, मुझे कुछ डिस्कस भी करना है। यस, हे 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 अमन, हां तुझे डायरेक्टर सर बुला रहे हैं। ओके थैंक्स। देख के चलो वरना गिर पड़ोगे। सॉरी, आपने मुझे बुलाया सर? अमन, ऐशा तुम्हें असिस्ट नहीं करेगी। क्यों सर? क्योंकि वो किसी सीनियर लड़की को असिस्ट करना चाहती है। सर मगर लिस्ट में तो उसके साथ मेरा नाम है सर। वो तो कंप्यूटर की मिस्टेक थी, हमने कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए भिजवा दिया है। सर मगर मैंने उससे बात की है, उसे कोई इतराज नहीं है सर। उसे इतराज है और मुझे इस बात की खुशी है कि मोहब्बत के लिए इस इंस्टीट्यूट में कोई जगह नहीं। परंपरा, प्रतिष्ठा। सर आप उसे एक बार बात तो। अमन, तुम्हारा मुहावरों का ज्ञान कैसा है? क्यों सर? रास्ता नापने का मतलब समझते हो? नहीं सर। रास्ता नापने का मतलब होता है कि आप तुम जा सकते हो। जी सर। मोहब्बत कभी नहीं हारती अमन, मगर डायरेक्टर साहब ने बगैर बात मेरे रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। आई डोंट लाइक इट सर। उन्होंने क्या कहा अमन? ईशा किसी सीनियर लड़की को असिस्ट करना चाहती है। ईशा किसी सीनियर लड़की को असिस्ट करना चाहती है। सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है अमन। सर You're genius. I'm the best. Anna, Anna, कब से तुम्हें बुला रहा हूँ? तुम सुनी नहीं रही? क्यों? उससे लिफ्ट नहीं मिली तो मेरे पास चले आए? Anna, look, you like me ना? Did, not anymore. Anna, be a sport ना? I know तुम मुझसे नाराज हो। Anna, मेरी बात सुनो एक मिनट please। क्या? तुम मेरी मदद करो ना please। कैसी मदद? ईशा मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती। तो मैं क्या कर सकती हूँ? Anna, तुम प्लीज ईशा को अपना असिस्टेंट बना लो और मेरे रेशा की दोस्ती करवा दो ना प्लीज। Anna, what? तुम्हें मेरी मदद चाहिए और वो भी इस केस में? I think Anna, 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 देखो तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि I really like you a lot, लेकिन एक दोस्त की तरह, दोस्ती के खातिर Anna, प्लीज मेरे लिए ये छोटा सा काम कर दो ना प्लीज। Anna, I would really appreciate, I'd be very grateful, please Anna, please, 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 thank you Anna, thank you so much Anna, thank you very much Anna। मैंने हाँ नहीं। तुम्हारी आंखों ने कर दी। हमें करना क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ प्यार, just fall in love। अपने काम से सिली। क्या तुम हंसती नहीं हो? No, I laugh। Then laugh no। आयशा। देखिए हमने ये ड्रेस डिजाइन की है। तुमने? अरे वाह, तुम तो बिल्कुल डिजाइनर बन गई ईशा। अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो आप इसे पहनकर दिखाइए। मैं इसे पहनकर दिखाऊं? तंग मत करो मुझे। करेंगे, हमें आपको तंग करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, मगर हम नहीं पहन। मामा पहन के दिखाना। मामा प्लीज 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 नहीं प्लीज मम्मी नहीं। ईशा, इसका मतलब आप हमसे प्यार नहीं करती? हम आपसे प्यार नहीं करते? बिल्कुल नहीं, हम आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप नखरे दिखा रही हैं। अच्छा, मैं नखरे दिखा रही हूँ? मैं नखरे दिखा रही हूँ मामा। अच्छा लो, चलो दो। डिजाइनर साहिबा, आपकी मॉडल हाजिर है। मामा, मामा यू आर लुकिंग सो स्वीट। आई रियली लाइक दिस प्लेस। या लेट्स सिट देयर। ओके ओके।
हेलो, हाँ मम्मा, मैं आज आना के साथ बाहर खाना खा रही हूँ, तो आप टिफिन मत भेजना। I prefer Indian outfits. Hi. Oh, hey. Hi. Hi. What a pleasant surprise. ये मेरी भी favorite जगह है. Can I join you? Yeah, sure. Thanks. कहाँ जा रही हो? ये मेरे साथ ऐसा क्यों behave करती है? क्या पता? What the hell? तकलीफ की, हम तो उसे छोड़ने ही वाले थे। ईव टीजिंग की कंप्लेन थी, इसीलिए लॉकअप में रखना पड़ा। मगर आप उसे समझाइए सर, वो तो उस लड़की के लिए अपनी जान तक दे सकता है। चले पति राव। यस सर। अमनी टीस्कुरा। आगंडी, मेरे जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि वो शर्मिंदा हो, बल्कि आप उसको बताई भी मत कि मैं यहां आया था। राज यार, अमन आजकल किसी लड़की की वजह से खासा परेशान नजर आ रहा है। बाय एनी चांस तुम जानते हो लड़की कौन है? ओ हाय मिस्टर आयरन, आपको खबर मिली गई होगी कि मोहब्बत हवालात की हवा खा चुकी है और ईशा मेरे बताए हुए दर्शों पर चल रही है। जी जी, क्या अब यह मोहब्बत के पत्ते नहीं उड़ने वाले? अपनी वायलेंस मेटिए और गांव जाके भैंसों को सिखाइए। सर, मैं आपको एक चैलेंज देने आया हूँ। मुझे क्या चैलेंज दोगे? मैं तो वायलिन सीखने नहीं चाहता। सर, मैं वायलिन का नहीं, मोहब्बत का चैलेंज देने आया हूँ। कोई नई चैलेंज ट्रॉफी है? नहीं सर, मिस्टर टीसी पूरी इंस्टीट्यूट के तमाम स्टूडेंट्स के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वैलेंटाइन डे बड़ा बेहुदा त्योहार है, हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के खिलाफ है। सर, आप सूरज से आंखें मिला सकते हैं, पर मोहब्बत से आंखें मिलाने से डरते हैं। मैं किसी से नहीं डरता, मोहब्बत टाइप चीजें मेरे आगे थर थर कांपती हैं। तो फिर छोड़ दीजिए मोहब्बत के लिए दरवाजा खुला। अगर फिर भी मोहब्बत आपके खौफ से दाखिल ना हो तो हम आपका रुतबा मान जाएंगे। मुझे ये चैलेंज पसंद है, मिस्टर पुरी से कहिए कि वो ये पार्टी दे सकते हैं। थैंक यू सर। Who is this weirdo? Valentine's Day है भी नहीं, फिर भी सारे students के लिए Valentine's party throw कर रहा है। अरे सिर्फ students को ही नहीं, उनके parents को भी बुलाया है। लेकिन अपना नाम तक नहीं लिखा। अरे होगा कोई NIFT का benefactor, तभी तो director ने object नहीं किया। अमन, क्या तुझे ये idea है कि ये हजरत कौन है? Hey man, I'm coming. देवदास, मत हो उदास, party में होगी पारो तुम्हारे पास। ईशा। जी मम्मी। ये क्या है बेटा? ये आज वैलेंटाइन डे की पार्टी है। तुम जा रही हो ना? नहीं मम्मी, हमें असाइनमेंट पूरा करना है। पार्टी से लौट कर कर लेना। ठीक है, पार्टी में जाने की हमारी एक शर्त है। हुँ? आप हमारे साथ चलेंगी। तुम मुझे बहुत तंग करती हो ईशा। हमें आपको तंग करने में बड़ा मजा आता। अच्छा, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। आज तुम्हें मैं तैयार करूंगी। नो मैं ये जानता हूँ कि आप लोग ये जानने को कितने उत्सुक हैं कि आज वैलेंटाइन्स डे नहीं होते हुए भी वैलेंटाइन्स डे पार्टी किसने और क्यों दी। मिस्टर पुरी,
क्या आप हमें ये बताने का कष्ट करेंगे कि इस पार्टी के पीछे क्या मिस्ट्री है? थैंक यू वेरी मच। वेल फ्रेंड्स, इस पार्टी के पीछे कोई मिस्ट्री नहीं बल्कि दिल की केमिस्ट्री है। दुनिया के हर मजहब हर मसीहे का बस एक ही संदेश है कि प्रेम का दिन हर रोज नहीं बल्कि हर पल मनाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम प्रेम की बातें करें, दिल की बातें करें। लेकिन आपने कार्ड पर अपना नाम क्यों नहीं दिया? तुम्हारे डर से। क्योंकि मुझे जिंदगी से प्रेम है, अपने नाम से नहीं। तालियां। पुरी साहब ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि प्रेम का दिन हर रोज नहीं बल्कि हर पल मनाना चाहिए। काश ये बात हमारे लीडर लोग समझ सकते हैं। Dad, why did he do this? मैं देखना चाहता था कि वो कौन इंटेलिजेंट लड़की है जो मेरे बेटे को लिफ्ट नहीं देती। Thanks, Dad. You are welcome. लेकिन मजाक भी कभी कभी हर्ट कर सकता है। I'm sorry. मैं तुम्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहता था। मैंने सोचा कि तुम अगर मेरे सामने उसे अपने दिल की बात कहोगे तो वो तुम्हारी फीलिंग्स को सीरियसली लेगी। थैंक यू डैड, लेकिन वो नहीं आएगी। लगी शर्त? मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेसमैन की छठी हिस्स यानी सिक्स सेंस बहुत शार्प होती है। तुम दस तक गिनो वो आ जाएगी। अरे कम ऑन, गिनो तो सही। ओके, 1 2 3। अरे इतनी जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ बोलो। 1 1 2 2 10 10 वो आ गई। लेकिन डैड, आपने उसे पहचाना कैसे? बेटे, तुम्हारी रगों में मेरा खून बहता है। अपने खून के बहाव को मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? चलो उसे रिसीव करते हैं। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा तो वो पार्टी छोड़ के चली जाएगी। आप जाकर उसे डायरेक्टर साहब के इन्फ्लुएंस से दूर रखिए और मैं यहाँ मोहब्बत के पत्ते उड़ाता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। तेरा है कसम यही खाए, तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा। जो तू मिल जाए गजब हो जाए, तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा। दीवाना तेरा है कसम यही खाए, तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा। जो तू मिल जाए गजब हो जाए, तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा। ओ हसीना साथ जीना, दोस्ती का हाथ दे दे। ओ हसीना दिल जो छीना, दोस्ती का हाथ ले ले। दीवाना तेरा है कसम यही खाए, तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा। जब तू मिल जाए गजब हो जाए, तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा। आसमानों पे यही है लिखा, नाम तेरा ही है मुझसे जुड़ा। आसमानों पे यही है लिखा, नाम तेरा ही है मुझसे जुड़ा। तू तो पढ़ कर के भी अनजान है, ये सताने पहचान है। जिद यही है,
मेरी है, आरज़ू ये आखरी है। बड़ा मुश्किल मेरी जात को समझाना, दीवाना तेरा है कसम यही खाए। तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा, जो तू मिल जाए गजब हो जाए। तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा। इस दिल को तो खाते हैं क्यों, दूरियों कतरा के जाते हैं क्यों। आप इस दिल को दुखाते हैं क्यों, दूरियों कतरा के जाते हैं क्यों। कुछ कमी हम में जो हो तो बता दे, हम तो खुद को भी दिखा दे। बात जो भी आपकी है, सर झुका के मान ली है। प्यार इतना करने वाला पाएंगे कहाँ, दीवाना तेरा है कसम यही खाए। तेरे कदमों में झूमती बहार बिछा दूंगा, जो तू मिल जाए गजब हो जाए। तेरी दुनिया में खुशियों के मेले लगा दूंगा। ओ हसीना साथ जीना, दोस्ती का हाथ दे दे। ओ हसीना दिल जो छीना, दोस्ती का हाथ ले ले। ईशा सो जाओ बेटे, 2 बज गए। तुमने अपना असाइनमेंट पूरा क्यों नहीं किया? आई एम सॉरी मैम। नो सॉरी वरी एंड स्टॉप अपोलोजाइजिंग। तुम लोग मुझे मिस खड़ूस कहते हो ना? हाँ सो बट मैं सब जानती हूँ, मगर मैं इन डिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल रही हूँ, अगली बार से मैं तुम्हें एब्सेंट भी मार्क करूंगी। और अगर अटेंडेंस की वजह से तुम्हारा साल बर्बाद हो जाए या तुम्हें निप से बाहर निकाल दिया जाए तो लेटर ऑन डोंट ब्लेम मी। नाउ लीव द क्लास बिफोर आई लूज माय टेंपर। कम ऑन लीव द क्लास। ईशा, ईशा तुम चाहते क्या हो कि मैं निफ छोड़कर चली जाऊं, मुझे यहां से निकाल दिया जाए? फॉर गॉड सेक तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? बिकॉज आई लव यू एंड आई हेट यू। अब मेरा पीछा छोड़ो। बट व्हाई डू यू हेट मी सो मच? मैंने किया क्या है?
मुझे बताओ कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्योंकि तुम तमाशा बना रहे हो, अपना भी और मेरा भी। नमस्ते आंटी। हमन, आओ। आंटी मैं ईशा से मिल सकता हूँ? उससे इस वक्त नहीं मिलो तो बेहतर है, कुछ परेशान सी है। उसकी परेशानी का कारण मैं हूँ आंटी, जबकि मैं उसे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता। आंटी मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, आज तक मैंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता रहा हूँ। अगर मेरी कोई बात उसके दिल को चुभ गई हो तो कम से कम मुझे बताए तो सही। आंटी मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उसे कितना प्यार, सॉरी लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं उससे अपनी बात कैसे कहूं। आंटी मैं आपसे कहूं? आंटी मैं ईशा से शादी करना चाहता हूं। बैठो बेटा, मैं अभी आती हूं। इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। ईशा प्लीज, सिर्फ एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। हमें कुछ नहीं सुनना, तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ वरना हम कल से इंस्टीट्यूट आना बंद कर देंगे। नहीं प्लीज, मेरी वजह से तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है तो कल से मैं कॉलेज आना बंद कर दूंगा। अमन कहाँ चला गया? हमने उसे भेज दिया। क्यों? वो अच्छा लड़का है। तुम्हें बहुत चाहता है बेटे, तुमसे शादी करना चाहता है, और मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। ईशा। नहीं मम्मी, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप भूल रही हैं कि आपके बेटे के साथ हमारी शादी हुई थी। हम आपकी बेटी नहीं, बहू हैं। आप सास बनकर हमारी जिंदगी में आई और इतना प्यार दिया कि हमारी माँ बन गई। अब हमें अपने से अलग मत कीजिए, हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम दूसरी शादी। एक्सीलेंट, चीख निकाल दी ना।
भला ये भी कोई मजाक हो? मैंने मजाक थोड़ी किया, मैंने तो बदला लिया। तुमने घूंघट की ओट में अपना चेहरा छुपाया था, मैंने मास्क की। खैर तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मैं कैसा हूं बोलो ना? शैतान। तुमने तो पहली नजर में मेरा कैरेक्टर पढ़ लिया, यानी कि तुम खूबसूरत हो और इंटेलिजेंट भी, रेयर कॉम्बिनेशन। लेट मी शूट यू। तुम यहां आकर बैठ जाओ, यहां बिस्तर पर। आराम से बैठ जाओ, या ऐसा करो तुम लेट जाओ। क्यों? हमें शर्म आती है। तो शर्म उतार देते। ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो आज की रात दुनिया का हर पति करता है। पहली लाइट तो बुझाइए। लाइट बुझा दूंगा तो शूटिंग कैसे करूंगा? क्या आप हमारी शूटिंग बिना कब? आप भी मजाक की हद करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम क्वाइट सीरियस। हाँ छोड़िए, हाँ छोड़िए, वरना हम चीखेंगे। चीखो? इस कमरे में निकली चीखें इन दीवारों से टकराकर चुप हो जाती हैं। आप चाहते क्या हैं? तुम्हें इस कैमरे में उतरना, बेलिबास। हरगिज नहीं। अरे वारी कुवरानी, देखूं तो तुम्हारी जिद। I love this camera. बहुत महंगा था ये। कोई बात नहीं, तुम खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, और बहादुर भी, a very rare combination. तुमसे इसकी कीमत वसूल करने में बड़ा मजा आएगा। डर गई ना? दुष्यंत? अरे मम्मी, इस वक्त बहू को छोड़ के कहाँ जा रहे हो बेटा? मम्मी आप इतना घबराती क्यों? आपकी उस लाडली बहू ने मेरा कैमरा तोड़ दिया है, इसलिए दूसरा अरेंज करने जा रहा हूँ इस वक्त। मम्मी जैसे आप मेरे बिना नहीं रह सकती, वैसे मैं कैमरे के बिना नहीं रह सकता। दुष्यंत, उसने कैमरा क्यों तोड़ा बेटा? मम्मी मैं तो दुल्हन के लिबास में से शूट करना चाहता था, लेकिन आपकी लाडली को एतराज था। देखो दुष्यंत, मैंने उस मासूम की जिंदगी तुम्हारे हाथों में सौंपी है, तुम अगर उसे जरा भी दुख पहुंचाओगे तो मुझे दुख पहुंचाओगे। मैं आपको दुख पहुंचा सकता हूं कभी? नहीं, फिर भी मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम हमेशा ईशा का ख्याल रखोगे। दुष्यंत। मम्मी मैं आपके सर की कसम खाता हूं, लेकिन आप भी अपनी लाडली को समझाइए जरा। दुष्यंत को बचपन से ही फोटो खींचने का बड़ा शौक था, और इतना शरारती है, अपने दोस्तों के अजीब अजीब फोटोज खींच के उन्हें हंसाता भी है और रुलाता भी। और जब से गड़ी के उस हिस्से में होटल खोला है, विदेशियों के साथ रहते रहते खुद भी आधा विदेशी हो गया। माँ मैं जिम और किट के साथ शिकार पर जा रहा हूँ। और ईशा?
वही इजाजत तो लेने आया हूँ आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल ले जाओ, जाओगी ना बेटे? जाओ। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो नहीं रहा होगा, है ना? मैं सच कह रहा हूं ना? हम डर गए थे। तो अपनी आंखों में समाए डर से कहो कि दफा हो जाए, ये मेरे प्यार का घर है। हम खाना कब खाएंगे? क्यों? हमें नींद आ रही है। तो मेरे शिकार का क्या होगा? शिकार तो आपने कर लिया। मैं बंदूक से नहीं, कैमरे से शूट करता हूं। Fantastic. Beautiful. Wow. You're looking gorgeous, absolutely ravishing. Aise hi hasti raho. Aise hi hasti raho. Beautiful, wonderful. She is beautiful. You find her beautiful? Oh yeah. Then go kiss her. इसे रोकिए ना, हमें डराने में आपको क्या मजा आता है? शिकार को डराया नहीं तो शिकार का मजा ही क्या? Come on, Jim, she's all yours. Go for her. Come on. Come on, baby. Come on. That's lovely. Jim, come on, get up fast. Come on. आपने अग्नि के सामने हमारी रक्षा की कसम खाई थी। वंडरफुल, प्लीज समय बचाइए, प्लीज बचाइए। वंडरफुल, ऐसी प्लीट करते रहो, रेप में हम फीलिंग आ जाएगी। कम ऑन, वंडरफुल। नहीं तो क्या करोगी, मुझ पे हाथ उठाओगी? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति होने का अधिकार आपने उसी वक्त खो दिया जब आपने गोश्त का टुकड़ा समझकर हमें उस कुत्ते के सामने फेंक दिया। Come on, Jim, get up.
और कितने दुख लिखे हैं। पैदा होती माँ बाप हमें अनाथ कर गए, जिसे हमारी इज्जत की रक्षा करनी थी वही हमारी इज्जत का दुश्मन बन गया। इस सबसे तो अच्छा यही होगा कि हम अपनी जान दे दें। हुकुम, थानांचार साहब पधारे हैं। गड़ी की एक लड़की खुद को आग लगाकर मर गई। वो पुलिस के नाम चिट्ठी छोड़ गई है कि कुंवर साहब जबरन उसकी गंदी फिल्में उतारकर विदेशियों को बेचते थे। उनसे कहिए वो भी आग में चलकर मर गया, जो कुछ पूछना उसकी राख से पूछे। सारा दोष मेरा ही है बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। अपने बेटे की गलत आदतों को जानते हुए भी मैंने उसके साथ तुम्हारी शादी कराई। मैंने सोचा था शादी के बाद वो सुधर जाएगा, मगर वो कमबख्त इस कदर गिर जाएगा, मैं नहीं जानती थी। मगर तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। यहां रहकर हमें बदनामी ही मिलेगी, हम कहीं दूर चले जाएंगे। सास बनकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, अब मां बनकर प्रायश्चित करूंगी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने वो नाश्ता क्यों नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा नाश्ता देवदास 2001? डैड प्लीज। ओह, देवदास इन ए सीरियस मूड, रियली? डैड लीव मी अलोन। ओके, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़। आप बैठिए, आप क्या लेंगे? ऐशा, माफ कीजिए, मैं बहुत ही बेबाक किस्म का आदमी हूं। आप जानती हैं कि अमन ऐशा को कितना चाहता है, हालांकि बाप होने के नाते मेरा उसकी तारीफ करना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप पता लगा सकती हैं कि अमन एक बहुत ही शरीफ और सिंसियर लड़का है। लेकिन पता नहीं क्या चीज है जो ऐशा उसे पसंद नहीं करती है। मैं ऐशा के नाम अपनी आधी जायदाद लिखने को तैयार हूं, मगर मैं जानता हूं कि पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता, और मैं अमन का दिल भी टूटते हुए नहीं देख सकता। बहुत प्यारा है मुझे वो। अब आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूं। इसका फैसला ऐशा ही करेगी, मैं उससे जरूर बात करूंगी। ऐशा? जी मम्मी। अमन के पापा आए थे तुम्हारे रिश्ते के लिए। नहीं मम्मी, हम इन्हें धोखा नहीं दे सकते। धोखा किस बात का? देखो ऐशा, उस राक्षस के बारे में बताकर क्यों अपनी खुशियों का गला घोटना चाहती हो? अगर हम उन्हें सच नहीं बताएंगे तो क्या उनके साथ धोखा नहीं होगा? सच तो ये है तुम दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं था, मैं इस बात की गवाह हूं कि तुम दोनों ने एक रात भी साथ नहीं बिताई।
मैंने उसे जन्म दिया, मगर ये सोचते हुए भी शर्म आती है कि वो मेरा बेटा था, तो फिर तुम उसे अपना पति कैसे मान सकती हो? बेटे, तुम इसे अपना दूसरा जन्म समझो, पिछला सब कुछ भूल जाओ। मम्मी, सासू, इसलिए मना कर रही हो? माँ होती तो क्या मना कर देती? बेटा, मैं हर पल अपने आप को कोसती रहती हूँ कि मैंने ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। अब इसे संवारने का मौका दो, शादी के लिए हाँ कर दो। ईशा, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी, आपने मुझे बुलाया सर। बैठिए, केक खाइए। किस खुशी में सर? अपनी हार की खुशी में। आज आपकी हार की एनिवर्सरी है, यानी कि मेरी बेटी की शादी की सालगिरह। हैं? अरे बड़े बेशर्म आदमी हो, अपनी हार सेलिब्रेट कर रहे हो? हार नहीं, जीत सर। केक निधा को बहुत पसंद था। हम जब भी मिलते थे वो दो चार केक खा जाया करती थी। अपनी शादी के दिन उसने मुझसे वादा लिया था, राज तुम केक खाना मत छोड़ना, ये केक हमारी मोहब्बत की निशानी है सर। अरे आपकी मोहब्बत की कितनी निशानियां हैं? केक, पत्ते, हवाएं, फिजाएं, परेशान कर दिया। सही कह रहे हैं आप, ये केक मैं खा रहा हूं। हवाएं चलने लगी हैं, ओहो, पत्ते उड़ने लगे हैं। ओह माय गॉड, दिल में मोहब्बत की आरजू लिए ईशा के कदम कैंटीन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो आ रही है, वो आ रही है। बताओ यार, उसके कपड़े इतने गंदे थे, इतने खराब थे। रियली? एना, आई एम सॉरी। डोंट अपोलोजाइज टू मी। उससे जाके बोल जो दो दिन से कॉलेज गोल करके बैठा है। हमें शर्म आती है। करो हेल्प। 3 बजे मेरी लुधियाना और बॉम्बे के ऑफिस से टेलीकॉन्फ्रेंस करा देना। यस सर। डैड, आप खाना नहीं खा रहे हो? बाद में खा लूंगा। You guys not breaking for lunch? You can go. Thank you, sir. आप नाराज है डैड? अमन, तू उस लड़की को भूल जा। क्यों? अरे वो ठाकुर घराने के हुए तो होते रहे, लेकिन इतना क्या गरूर? मगर हुआ क्या? मैं उस लड़की के घर गया था। क्यों? क्योंकि तेरे बाप से तेरी उदासी देखी नहीं जाती। तू 4 बरस का था जब तेरी मम्मी की डेथ हुई थी। तू हर वक्त उनके लिए रोता रहता था। एक दिन तुझे मैंने ऐसे कह दिया कि ठीक है, मैं तेरे लिए दूसरी मम्मी ले आऊंगा। तू चुप, बोला नहीं दूसरी मम्मी नहीं। तब से लेकर मेरी शादी एक जोक बनकर रह गया हमारे बीच। आज तक तुझे जोकर बनकर हंसाता रहा, और ये लड़की, लेट हर गो टू हेल। हेलो, हु इज दैट? ऐशा, कौन है ईशा? हाँ हाँ, अच्छा वो जो उसकी पार्टी में आई थी अपनी मम्मी के साथ। अमन, अमन से बात करनी है। मेरा फोन है डैड, लेकिन अमन घर पर नहीं है। अमन, अरे हेलो ईशा, हाँ डैड, मुझे जोकिंग, नो इट्स फाइन, आई एम सॉरी, इट्स परफेक्टली फाइन, नो बट टेल मी, ओके दिस फाइन फाइन, डोंट वरी, तुम कहो कॉलेज में, ओके मैं अभी, आई एम जस्ट कमिंग, ओके आई एम जस्ट कमिंग। But I need full size. Bigger than this. Hey guys! Hi. Rekha! Rekha! Library! Yeah. Okay! Sachin!
खूबसूरत जगह है ना? एक बात पूछो, तुम पॉपकॉर्न के लिए मना कर रही हो या सवाल पूछने के लिए? दोनों के लिए। ओके अच्छा पूछो। तुमने मुझे इतना क्यों सताया? मैंने कब सताया तुम्हें? अरे कमाल करती हो, पागल कर दिया था तुमने मुझे, मजनू बना दिया मजनू। और जानती हो अगर तुमने मुझे उस दिन फोन नहीं किया होता तो मैं क्या करता? क्या करते? चार मीनार से कूद जाता। Oh my God, तुम हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो। Thank you. एक बार और मुस्कुराओ ना। No. Please. जब तू मुस्कुराती है बिजली भी शर्माती है, पलकें जब उठाती है दुनिया ठहर जाती है, जब तू मुस्कुराती है बिजली भी शर्माती है, पलकें जब उठाती है दुनिया ठहर जाती है, तेरे रंग ने तेरे ढंग ने तेरे संग ने किया क्या कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे। जब तू मुस्कुराती है बिजली भी शर्माती है, पलकें जब उठाती है दुनिया ठहर जाती है, तेरे रंग ने तेरे ढंग ने तेरे संग ने किया क्या कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे। गया इनमें जाऊं अब मैं कहां, करके दीवाना अब नहीं जाना, तेरे प्यार में इंतजार में इकरार में हुआ क्या, क्या हुआ बेटी? हमें लगता है कि मम्मन को धोखा दे रहे हैं। मम्मी, हम उसे सब कुछ बता देना चाहते हैं। अपने दिल की सुनो बेटे, जो तुम्हारा दिल कहे वही करो। I can't believe it. किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है, वो भी तुम्हारे साथ। आई नो किसी मरे हुए आदमी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, मगर अच्छा हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ऐशा मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल है, मगर प्लीज़ भूल जाओ जो तुम्हारे साथ हुआ था और अपना दर्द मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा,
आई प्रॉमिस। किया क्या मैं मचल गई मैं संभल गई के बदल गई हुआ क्या तेरे प्यार में इंतजार में इकरार में हुआ क्या मैं निखर चली मैं संवर चली मैं किधर चली पता क्या कोई मेरे दिल से पूछे कोई मेरे दिल से पूछे कोई मेरे दिल से पूछे क्या हुआ यहां बैठो यहां अपने हाथ पीछे करो ये क्या कर रहे हो Ow, that hurts. और अब बिल्कुल नहीं आंखें बंद करो अब खोलो हम अमन से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं मैंने ठीक से सुना नहीं जरा और पास आके बोलो ना हट मगर मेरे हाथ क्यों बांधे वरना तुम हमें अपनी बाहों में ले लेते और इस वक्त हम अपने होश नहीं खोना चाहते अच्छा अब तो खोलो अरे खोलो ना ऐशा ऐशा मेरे हाथ खोलो ऐशा ये कौन हंस रहा है ईशा तुम पागल हो गई हो ऑफ कोर्स आई हैव गॉन मैड तुमने बना दिया व्हाट इज देयर टू लाफ सो मच तुम अंदर नहीं आओगे आंटी से हेलो तो कर लो कोई जरूरत नहीं है वो बुरा मान जाएंगी नहीं मानेंगी अच्छा बाबा उनसे नहीं कहूंगा कि तुमने मेरे हाथ बांध दिए थे तुम
अंदर नहीं आओगे। ओके, फिर मैं तुम्हें फोन भी नहीं करूंगा। मत करो। ओके, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, उतरो। ठीक है। मम्मी, अमन आ रहा था मगर हमने उसे मना कर दिया। क्यों? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम बाद में कहना, पहले हमारे साथ किचन में आओ। ये किस लिए? तुम्हें इतना खुश देखकर डर गई थी, कहीं तुम्हारी खुशी को मेरी नजर न लग जाए। अब कहो। हम शादी करने को तैयार हैं। शादी करने के लिए तो मैं भी तैयार हूँ। डैड, अपनी नहीं बेटा, तेरी तेरी तेरी। तो शादी आफ्टर 2 वीक्स और मंगनी।
रिश्ते की बात निराली। ओ बड़ा कठिन है दिल का रिश्ता, इस रिश्ते की बात निराली। कहाँ मिलेगा ऐसा सजना, तू है कितनी किस्मत वाली, तू है दिवाली। अब तो बन गई बात, चाबी लगी वो हाथ, तू बने धनवान, तेरा भला करे भगवान, तेरा भला करे भगवान, तेरा भला करे भगवान, तेरा भला करे भगवान। शम्मा से मेरा इश्क पुराना, और मैं दीवाना अपनी शम्मा का, शम्मा से मेरा इश्क पुराना। आग से बच के आया है जो, ये वो अलबेला परवाना, ये वो मुझे देखकर घबरा क्यों गई? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा जिंदा है। धीमे बोलो। क्यों? आप दुनिया से छुपाना चाहती हो कि आपके मेरे और ईशा के रिश्ते की सच्चाई क्या है? तुम यहां तक पहुंचे कैसे? ट्रेन से। मगर कौन सी ट्रेन मुझे आप दोनों तक पहुंचाएगी ये जानने में थोड़ा टाइम लग गया। अब आप ये भी जानना चाहोगी कि मैं बचा कैसे? आपके आशीर्वाद से साधुओं की एक टोली ने बचा लिया। उन्हीं की जड़ी बूटियों का तो चमत्कार है कि आपका बेटा अभी भी उतना ही चार्मिंग है जितना कि पहले था। तुम आए क्यों? अपनी पत्नी को उसके मंगनी के मौके पर बताई देने। देखिए कैसे मेरी तरफ घूर घूर कर देख रही है कि मैं अभी तक उससे मिलने क्यों नहीं गया। यहाँ से चले जाओ प्लीज दुष्यंत। ईशा को बताई दिए बिना बेचारी बुरा। मम्मी पुरी साहब इधर ही आ रहे हैं, ऐसा ना हो मेरे होंठ तो बंद रहे अगर आपके चेहरे का रंग सारे भेद खोल दे। वाह 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 भाई बरगुरदार, आपने तो समा बांध दिया। नहीं आपकी तारीफ। तारीफ तो इनकी कीजिए जिन्होंने मुझे बनाया, मगर ये कुछ बताएंगे नहीं। क्यों? अपनी तारीफ करना इनकी आदत में शुमार नहीं है। आप तो पहेलियां बुझा रहे हैं। किसी पहेली से कम भी नहीं हूं मैं, बस यूं समझ लीजिए कि सगी माँ की तरह पाल पोस के बड़ा किया इन्होंने मुझे, इसी नाते मैं इन्हें मम्मी कहके पुकारता हूँ। अच्छा मम्मी इजाजत। अरे ऐसे कैसे, आप ये दावत छोड़कर नहीं जा सकते? दावत खाने तो मैं फिर कभी हाजिर हूँगा, फिलहाल जरूरी काम है जाना पड़ेगा। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया है? आपसे रिश्तेदारी हो गई है इसका ये मतलब तो नहीं आपको अपना हर राज बता दें। है ना मम्मी? अच्छा पुरी साहब चलता हूं। ओके इंटरेस्टिंग पर्सन। Thank you.
मुझसे शादी करके इतना अच्छा लगा कि एक बार फिर कर रही हो? मम्मी, आप बोलो चाहे मत बोलो, आपकी खामोशी बोल रही है कि आप हो। आई लव यू मम्मी। तुम्हें क्या चाहिए? कल के खाने का मेन्यू पूछ रही हो, मगर मैं सोच रहा हूं कल खाना खाने पूरी साहब के यहां चला जाऊं। आप इतना घबरा क्यों रही हो मम्मी? मैंने आपका दूध पिया मम्मी, और दूध पिलाने वाले को तो सांप भी नहीं काटता। मत डरो मम्मी, मुझे दुख होता है। मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहते हो तो यहां से चले जाओ। चला जाऊंगा तो मुझे लोरी गा के कौन सुनाएगा? याद है आप कैसे थपकियां देकर मुझे सुलाया करती थी? हसे टिम 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 छोटे छोटे तारे। अब मम्मी तुम्हारी शादी अमन से ही होगी। दुष्यंत जिंदा हुआ करे, मगर तुम्हारा पति उसी दिन मर गया था। हम अमन से क्या कहेंगे? कुछ नहीं, तुमने उससे कहा था कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है, जिसे वो स्वीकार चुका है। हो सकता है दुष्यंत का जिंदा होना उसे स्वीकार ना हो। हुकुम, अमन साहब आए हैं, मगर साथ में कौर साहब भी हैं। She was so scared that she started screaming. हेलो आंटी, ये बहुत फनी आदमी है, राजस्थान का किस्सा सुना रहे थे। कैसा किस्सा? शिकार का, कि कभी कभी शिकारी भी कैसे खुद शिकार हो जाता है। नमस्ते। नमस्ते। अरे गोपाल सिंह जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? माफ करना हुजूर, मेरी नजर कमजोर हो गई है, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। मगर आप जैसा वफादार तो सूंघ के भी पहचान सकता। आंटी ऐशा का? अपने कमरे में। मैं भी उससे मिल लेता हूँ, कल फंक्शन में मेरी उससे कोई बात ही नहीं हो पाई। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ शिकारी खुद शिकार क्यों हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने होश में नहीं रहता। अरे क्या हुआ? चलिए ज्वेलरी सिलेक्ट करने चलना है। हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? फीवर तो नहीं है? सिर में दर्द है। सिर में दर्द है? कमाल है, ज्वेलरी के नाम पे तो आदमियों के सिर में दर्द होता है, तुम्हें कैसे हो गया? वैसे मेरे पास सिर दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है, दो मेरी तरफ देखो। अरे क्या हुआ? हमें डर लगता है। किससे? अपने अतीत से। जो गुजर गया उसे भूल जाओ ईशा। हम भूलने की कोशिश करते हैं, मगर वो बार बार हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम डरते हैं कि कहीं वो हमें तुमसे अलग नहीं कर दे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मत हो उदास, मैं हूं तेरे पास हमेशा 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 हमेशा। न छूटेगा रहेगा ये साथ हमेशा 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 हमेशा। Yeah.
तुझको मेरी कसम कर ले मेरा यकीन। छाए बादल तो सूरज बना ले मुझे, रात हो तो दिए सा जला ले मुझे। उससे मिलने क्यों गए थे? मैं उससे मिलने नहीं गया, वो मुझे रास्ते में मिल गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मैं सच बोलूंगा तो आप ही सोचिए क्या से क्या हो जाएगा। अच्छा आंटी, हम लोग जा रहे हैं। ईशा कहाँ है? वो उधर से गए। अरे मैं तो उससे मिला ही नहीं। आंटी पापा कह रहे थे कि आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, वो सब संभाल लेंगे। हेलो ईशा, कांग्रेचुलेशंस। अरे कम से कम हमारे हेलो का तो जवाब दो। लगता है आपसे नाराज है। मैंने इन लोगों से कांटेक्ट नहीं रखा ना, इसलिए। वैसे आप लोग जा कर रहे हो? बस यूं ही कुछ जेवर खरीदने। चलिए मैं भी चलता हूँ, ईशा का टेस्ट मुझे खूब मालूम है। क्यों नहीं मालूम होगा, ईशा आपकी? हमारी तो थी पर अब आपकी हो गई है, इसीलिए तो कहते हैं कि लड़की पराया धन होती है। दुष्यंत इन्हें जाने दो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। अरे वाह, फिर तो आप लोग जाइए, मैं मम्मी की याद की खीर छोड़कर नहीं जा सकता। ओके ओके आंटी, सी यू। चले ईशा, बाय। सी यू, बाय बाय। सी यू, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय। इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। टूट जाएगी तो आपको दुख होगा ना? तुम यहाँ इसलिए आए हो तो आपकी नींदें हराम करने। मम्मी मैं उतना कमीना नहीं हूँ जितना कि आप समझ रही हो। मैं यहाँ शादी रुकवाने थोड़ी आया हूँ। ईशा की शादी एक करोड़पति के बेटे के साथ हो रही है, भला मेरे फ्यूचर के लिए इससे बेटर क्या हो सकता? एक बार मैं अपनी पत्नी को दूसरे की पत्नी बनाकर आशीर्वाद दे दूँ फिर चला जाऊंगा। रिलैक्स मम्मी, रिलैक्स। ये क्या है? तेजाब, देखिए। तेजाब? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है नहीं, अच्छी लग रही हो, बहुत खूबसूरत। देखो हाँ।
सपना देखा? हमारी तो जिंदगी ही डरावना सपना बन गई है। मम्मी, ईशा क्यों चीखी? तुम इस वक्त हो कहाँ? आप जानना चाहती हो तो फोन रखकर सुनो। मैं आपके उतना ही करीब हूं मम्मी जितना कि हमारा रिश्ता। बस बीच में ये चूने पत्थर की कमजोर सी दीवार है जिसे मैं ठोकर मारकर जब चाहे गिरा दूं। आप ईशा से कहिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 24 घंटे आप दोनों की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मम्मी यहाँ से चलो। हम जाएंगे कहाँ? जहाँ भी जाएंगे हमारे पीछे पीछे आएगा। ये हमारा अतीत है बेटा, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें इसका सामना करना पड़ेगा और वो मैं करूंगी। बस तुम हिम्मत से काम लो। मम्मी जोर से बोलिए ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, या उधर आके सुनो। अरे मम्मी आपने क्यों तकलीफ की, मुझे पुकार लेती, आपकी सहूलियत के लिए तो यहाँ ठहरा हूँ। ये खेल क्या खेल रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बताते तुम्हारे मन में क्या है? मन का भेद तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? तो फिर अभी इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ, ईशा को मेरे साथ भेज दीजिए। अब तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं। मगर समाज और कानून की नजरों में तो है। उसका पीछा छोड़ने की कीमत बोलो। 10 करोड़। तुम पागल तो नहीं हो गए? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? That's your problem. अगर आप मुझ जैसे बेटे को जन्म दे सकती हैं, तो ये रकम अरेंज करना बड़ी मामूली बात है आपके लिए। मैं ठीक है। ठीक तो तभी होगा मम्मी जब ये रुपया मुझे शादी से पहले मिल जाएगा, वरना डर गई ना? तुम जब देखो मुझे देखकर घबरा जाती हो, भाग जाती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना कॉलेज चलकर तुम्हें हम दोनों के मीठे रिश्ते की याद दिला जाए। साथ में ये भी देख लेते हैं कि इसे देखकर तुम्हारे मंगेतर का क्या रिएक्शन होगा। क्यों मिस्टर आयरन, अपनी हार के डर से अभी से मुंह छिपा लिया? मैं अपना मुंह नहीं छिपा रहा हूं सर, मोहब्बत का एक पत्ता आकर मुझे चूम गया। मेरी पत्नी की फोटो है। दुष्यंत तुम यहाँ दिखाओ ना। नो 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 नो। अरे दुष्यंत, देखा मजाक मजाक में ये फोटो फट गया। अगर तुम अपनी बीवी का फोटो दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा? टाइमिंग गलत हो जाएगी। मैं तुम्हें अपनी पत्नी से उसी दिन मिलवाऊंगा जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, तब आएगा असली मजा। ये शादी नहीं हो सकती मम्मी। कैसी बात कर रही हो, ये शादी होगी और जरूर होगी। नहीं, वो ये शादी नहीं होने देगा।
किसी हालत में नहीं होने देगा। हम अभी अमन को बता देते हैं कि जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा है। नहीं बेटे, ऐसे मत करो। ऐसे ही करना पड़ेगा मम्मी। मैंने सब सुन लिया। मुझे लग रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर है। आज पता चला कि सच्चाई क्या है। आप अपनी बहू का हाथ अपने बेटे से छुड़ाकर किसी और के हाथ में देना चाहती हैं, ताकि उसकी जिंदगी सुधर सके। आप सचमुच महान हैं। आई एम प्राउड कि मुझे आप जैसी मदर इन लॉ मिल रही है और ईशा के साथ मेरी शादी हो रही है। कूल मैन कूल। ये जानते हुए भी कि ईशा शादीशुदा है, तुम इससे शादी करने को तैयार हो। आई एम प्राउड कि मेरी पत्नी की शादी तुम जैसे महान आदमी के साथ हो रही है, वो भी मेरे जन्मदिन पर। खैर, तुम्हारी शादी पर तो मैं अपनी पत्नी तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं, तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर क्या दे रहे हो? सोचो ना, मेरी मां मुझसे दूर हो गई, मेरी पत्नी को तुम ले जा रहे हो, मुझे भी तो जीने का सहारा चाहिए। ऐसा करो, तुम्हारे पापा के पास बेशुमार दौलत है, तुम मुझे 10 करोड़ दे दो, मैं शादी में आके तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा। वरना मुझे अपनी दुख भरी कहानी तुम्हारे पापा को, तुम्हारे दोस्तों को, सबको सुनानी पड़ेगी। सोचो, सोसाइटी में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैकमेल कहां यार, मैं तुम्हें अपनी पत्नी तोहफे में दे रहा हूं, उसके बदले कुछ मांग रहा हूं। आई थिंक सो इट्स अ फेयर डील। क्यों मम्मी? अगर मैं इनकार कर दूं तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी अब भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान रोके या ना रोके, ये शैतान जरूर रोकेगा। ये सच्चे प्रेमियों की शादी हो रही है। पापा को क्या, सारी दुनिया को बता दो, जो चाहे कर लो, ये शादी होकर ही रहेगी। मैं भी देखता हूं ये शादी कैसे होती है। ओम विष्णु 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 ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। येन भद्रो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन तमापि वदनामि रक्ष रक्षेणाचलः। ओम कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। आप इमोशनल हो रहे हैं सर। नहीं नहीं, लता आंख में मच्छर चला गया। ओम स्वस्तिना इंद्रो दृद्रश्रवा स्वस्तिना पुरुष विश्व देवा स्वस्तिना अंतरिक्ष अरिष्टिनी। देखा सर, मोहब्बत की जीत हो रही है। आपकी परंपरा और आपके अनुशासन का क्या होगा? भाड़ में गया अनुशासन, मोहब्बत की जीत ही होनी चाहिए। ये आप कह रहे हैं? देखो मिस रायन, हम यहाँ फैशन पढ़ाते हैं और जो मोहब्बत होती है बड़ी फैशनेबल चीज होती है। इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। और आपके आदर्श? कौन से आदर्श? ये को गुरुकुल है जो हम आदर्शों से फजूल टक्कर लेते रहे। यू आर अ जीनियस। यस, आई एम द बेस्ट। ये शादी नहीं, कानूनी अपराध है। ये जो मंडप में दुल्हन बनकर बैठी हुई है, ये मेरी पत्नी है और हमारा तलाक नहीं हुआ है।
ये जानते हुए भी अमन इसके साथ शादी कर रहा है। मैंने इसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है और इसके नाम अरेस्ट वारंट लेकर आया हूँ। हम शादीशुदा हैं और ये रहा इसका सबूत। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट हिम। एक मिनट इंस्पेक्टर, यह बात बिल्कुल झूठ है कि मेरा बेटा जानता था कि यह लड़की शादीशुदा है। अगर हम दोनों में से किसी एक को भी यह बात मालूम होती तो यह शादी कभी नहीं होती। नहीं डैड, मैं ये बात जानता था। जी, वो दुष्यंत नजर नहीं आ रहा आपका रिश्तेदार, उसके बगैर तो मजा ही नहीं आ रहा है। पुरी साहब, आ रहा हूं भाई। या ओके इंस्पेक्टर। अरे मम्मी, आप यहां कैसे? आपको तो अपनी बहू की शादी में होना चाहिए था। तुम कहाँ जा रहे हो? आप ही से मिलने आ रहा था पुलिस लेकर। क्यों? शादी रुकवाने। आप जो कर रही हैं वो कानूनी जुर्म है। मुझे शादी न मिले, रुपए भी न मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये लो। ये क्या है? रियासत के प्रॉपर्टी के पेपर्स। मैंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी है। और अब इन तलाक के कागजात पर साइन कर दो। मम्मी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर तो मेरा अधिकार था ही, और रही तलाक की बात, तो मैं इतनी आसानी से ईशा का पीछा छोड़ने वाला नहीं। तुम उस मासूम की जिंदगी क्यों तबाह करना चाहते हो? क्या बिगाड़ा उस बेचारे ने तुम्हारा? चैन से जीने दूं उसे जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की, जो मुझे आग में झोंक कर चली आई। हरगिज नहीं। उसने जो कुछ भी किया अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। उसकी इज्जत पर मेरा अधिकार है। मैं उसके साथ जो चाहे करता, मैं उसका पति हूं। ये तुम नहीं बोल रहे, तुम नहीं, मैंने बचपन से तुम्हें इतना लाड़ प्यार दिया कि तुम बिगड़ते चले गए। ममता में अंधी होकर तुम्हारी हर उल्टी सीधी हरकतों पर मैं मुझे क्या पता था कि मेरी ममता ही एक दिन मेरा अपराध बन जाएगी। वाह मम्मी वाह, क्या ग्रेट औरत हैं आप। वो लड़की जो आपकी कुछ नहीं है उसके लिए अपनी ममता को गाली दे रही है। मम्मी आप ग्रेट हो सकती हैं, लेकिन मैं ग्रेट नहीं हूं। आपको क्या लगता है
मैं यहाँ पैसों के लिए आया था? नहीं, मैं उससे अपना बदला लेने आया हूँ। मैं उसका जीना हराम कर दूंगा, उसे इतना सताऊंगा कि वो हाथ जोड़ेगी, पांव पड़ेगी, गिड़गिड़ाकर मौत की भीख मांगेगी मुझसे, और मैं उसे और सताऊंगा। हर पल उसे याद दिलाता रहूंगा कि उसने मेरे साथ क्या किया। मैं उसे जिंदगी की इतनी घिनौनी तस्वीर बना दूंगा कि उसे अपने आप से नफरत हो जाएगी। पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई है। मन गोपाल सिंह जी, ये हुकुम मानसी जी का है। बस अभी आते ही होंगे। हुकुम, ये किस लिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है, याद है तुम्हारे जन्मदिन पर मेरे हाथ की खीर खाया करते थे। इतना ड्रामेटिक सीन चल रहा था और आपने एक झटके में से इमोशनल बना दिया। लाओ। मम्मी, आप शादी छोड़कर मुझे खीर खिलाने चली आई सिर्फ इसलिए कि मेरा जन्मदिन है? आपने क्या मुझे बेवकूफ समझा? आप जरूर इसमें जहर मिलाकर लाई होंगी कि इस कांटे को हमेशा के लिए दूर कर देती हूं, वरना वक्त बे वक्त ये छुपता ही रहेगा। जहर खीर में नहीं, तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। आज पहली बार आपके हाथ का थप्पड़ खाया है, अब तो खीर भी खानी पड़ेगी। मगर पहले आप, आई एम सॉरी मम्मी, मैं आप पर शक कर रहा हूं, मगर क्या करूं, मेरा तो कैरेक्टर ही ऐसा है। अब तो भरोसा हो गया अपनी मां पर। ओ यस, Happy birthday to me. कभी तो जो मुझसे रोके कोई, मेरे दिल से पूछे तू कितना लगे प्यारा। कभी मैं तुझे मना, कभी खुद ही मान जा, और चाहो तुमने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तुम जिंदा रहते तो ईशा को चैन से नहीं जीने देते। अपने अपने बेटे को जहर दे दिया, अपने बेटे को जहर दे दिया। नहीं बेटे, तुम्हें मुक्ति दे दी, वरना न जाने तुम्हारी मौत कितनी भयानक होती। Huh?
मैं जा रहा हूं मां। सताने अब वो कभी नहीं आएगा। हामन बेटे, आज तुम्हारे हाथ में ईशा का हाथ देते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मैं अपनी जिंदगी सौंप रही हूं। देवी ने इतना बड़ा बलिदान दिया, अपनी ममता, अपने जीवन की आहुति दी सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। तुम इनकी याद में भी आंसू बहाओगी तो इनकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। इन्हें हमारी श्रद्धांजलि यही होगी कि तुम हमेशा खुश रहो और इस घर में तुम हमेशा खुश रहोगी, रहोगी ना? शाबाश। हमेशा
मुझसे कोई छीन सकता नहीं, तुझको मेरी कसम कर ले मेरा यकीन। चाहे बादल तो सूरज बना ले मुझे, रात हो तो दिए सा जला